नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपर निजी सचिव की जो वैकेंसी आई है, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी, आप जिसके लिए सालों से इंतजार कर रहे थे वो वैकेंसी आपके लिए कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, जब कोई नोटिफिकेशन आता है, अच्छे खासे पद आते हैं, एक ऐसी जॉब आती है जो आपकी ड्रीम जॉब होती है, उनकी तैयारी करना होता है, तो बहुत मन की स्थिति होती है, बहुत उहापोह में होती है कि किस प्रकार से हम अपनी तैयारी करें, कौन से हमारे रिसोर्सेस होने चाहिए, किताबों का चुनाव हमारा कैसा होना चाहिए, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है, टेस्ट सीरीज कैसा लगाए, कोर्स किसका ज्वाइन करें, और इसके अतिरिक्त बहुत सारी माइनर और मेजर चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इस पूरे सेशन में कैसे करें तैयारी पर हम लोग बात करने वाले हैं, क्या रहेगा सेफ स्कोर, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसी है, क्या हमें टारगेट करके चलना है, कितना हमें मेहनत करना है, क्या हमारा स्कोर होना चाहिए कि हम निश्चित रूप से सिलेक्शन दे दें, कंपटीशन लेवल क्या रहेगा, कितने नंबर ऑफ फॉर्म वगैरह आ सकते हैं, इन पे एक चर्चा, कंप्यूटर कहां से पढ़े, क्योंकि अभी तक जो सिलेबस आपका था वो पारंपरिक तरीके से था, आपका सब्जेक्टिव था, लिख के आपको पेपर देना था, कंप्यूटर आपके तीसरे फेज में था, कंप्यूटर आपके पहले फेज में आ गया, 150 क्वेश्चन एमसीक्यू, 3 घंटे का पेपर, नेगेटिव मार्किंग 1/3 के साथ, कहीं ना कहीं एक चैलेंज है, जहां पे अगर टेक्निकल बच्चों की बात किया जाए उनके लिए अच्छा भी है, और ऐसे बच्चे जो टर्न टेक हैं या किसी तरह स्टेनो उन्होंने सीखा है, उनके लिए जो अभी तक यूपीपीएससी से आरओ यारो की तैयारी करते आ रही, ये 50 क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक चैलेंज बनके यहां पे खड़ा होगा। जीके, क्योंकि यहां पे सामान्य अध्ययन नहीं है, यहां पे सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज है, जहां पे जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक का पार्ट और कुछ आपके पारंपरिक विषय साथ में चलते हैं, तो उनके कैसे टैकल करना है, हिंदी की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये समीक्षा अधिकारी से थोड़ा बहुत तो मिलता जुलता है बट बिल्कुल उसके जैसा भी नहीं है, तो हम सारी चीजें यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पाठ्यक्रम पे हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, मिनिमम कट ऑफ से सावधान, ये क्या पॉइंट है कि अभी सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं कि 40% आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग होना चाहिए, कि 40% से कम नंबर है तो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसकी भी चर्चा सेशन में करने वाले हैं। बाकी कोचिंग किताबें, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो एक एक करके देखते हैं। हालांकि ये हमारा कोर्स है, इस पर अभी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, मेरा उद्देश्य ये नहीं है, ये उद्देश्य जरूर है कि आप लोग को जो किताबें हैं, जो मेन बेस्ट किताबें हो सकती हैं, वो आपके लिए टीम परीक्षा प्लस लेके आई है। लेकिन सबसे पहले अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें या परीक्षा योजना की बात करें, जो आपके नोटिफिकेशन में आया है तो वो आपने देख लिया होगा, जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपका पेपर होगा वो कितने का, 150 क्वेश्चन का होगा, 50-50-50 तीन सेक्शन, और ये सामान्य ज्ञान है, वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू टाइप का है, ये भी आपका एमसीक्यू है, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान। यहां पे 10 टॉपिक का जिक्र किया गया है, यहां पे 7 टॉपिक का जिक्र किया गया है, और कंप्यूटर में लगभग 5 टॉपिक का जिक्र किया गया है, तो यहां पे देखा जाए तो 22 टॉपिक कुल मिला के, 150 अंक, 3 घंटे का पेपर, और सबसे बड़ी बात है कि 1/3, यहां पे 1/3 निगेटिव है, तो जब आपका ऐसी परीक्षा योजना होती है तो उसमें हमें करना क्या है, एक बात का विशेष ध्यान रखना है हमें कि 15 गुना बच्चे ही क्या होंगे, वैकेंसी के 15 गुना बच्चे इस स्टेज 1 को क्वालिफाई करेंगे, मतलब टोटल वैकेंसी जो आपके 328 है उसका अगर 15 गुना किया जाए तो लगभग 4500, लगभग आपका 4500-4600 बच्चे, 4600-4700 मान के चलिए, इतने बच्चे आपके क्या होंगे, जो आपके स्टेज 2 के लिए, स्टेनो के लिए क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे, या बोल सकते हो उनका मेरिट में नाम आएगा। तो सबसे बड़ी बात तो है कि हमें अभी 4500-4600 में जगह बनानी है, क्योंकि उसके बाद ही डिसाइड होगा कि कौन यहां पे स्टेनो देगा और स्टेनो कौन क्वालिफाई करता है, उसकी भी प्रक्रिया कैसी है, सारी बातें हम लोग यहां पे चर्चा करने वाले हैं। इसमें बाकी द्वितीय चरण, तृतीय चरण के बारे में आपको पता होगा, 75 अंक का आपका स्टेनो है जो आसुलिपिक है, हिंदी का है, और 25 आपका टाइपिंग है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक वीडियो मैंने बनाया था कि यहाँ पे 0% एरर अलाउ है, मतलब कि एरर अलाउ नहीं है, और बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टेनो में 0% एरर हो, बिल्कुल सही बात है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो एक भी एरर ना करे, और अगर इसके तर्ज पर डिस्क्वालीफाई हो जाए तो बेकार है, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो अगर 0% एरर आएगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, नंबर है, हो सकता है पार्शियल मार्किंग हो, बट आयोग को इसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ टिप्पणी कर देनी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है स्टेज 1 क्लियर करने के बाद एक कोरिगंडम हो निकाले कि इसमें जो पार्शियल मार्किंग होगा कि जितने एरर होंगे उतने नंबर कटेंगे, उस हिसाब से होगा, क्योंकि इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूं कि आपका जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 जो है यानी कि
आपका रिटेन है जो स्टेज टू है, स्टेज टू जो आपका स्किल टेस्ट है, और स्टेज थ्री है यानी कि जो आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल है, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल एग्जाम है। ये तीनों के बिहाफ पे आपका टोटल मार्किंग होगा। तीनों ही आपके जब सारे नंबर जोड़ लोगे तो उसके आधार पे फाइनल मेरिट बनेगी और उसके आधार पे फाइनल 328 में आपका चयन होगा। 50 अंक फाइनली क्या है, कंप्यूटर का है, तो कुल मिला के 250 अंकों का आपका ये पूरा पेपर रहने वाला है। ये उसकी चर्चा जो मैंने वीडियो में की थी, हालांकि अभी मैं इस वीडियो में उसकी चर्चा नहीं करने वाला हूं, लास्ट में अगर समय बचता है तो मैं जरूर करूंगा। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको इस परीक्षा में कैसे सफल होना है, और सफलता जब आप बात कर रहे हो तो अभी जो मेरा मोटो है आपको, ये जो आपका सेशन है ये स्टेज वन के लिए, हालांकि स्टेज टू और स्टेज थ्री के लिए मैं चर्चा करूंगा, बट अभी ये सोलली जो डिपेंडेंट ऐसा बोल सकते हो कि ये जो वीडियो इसका जो मोटिव है वो केवल स्टेज वन के लिए, कि इसमें आपको जो प्रथम 4400-4700 बच्चों में जगह बनानी है वो कैसे बनानी है। तो एक बात समझिएगा बच्चों कि 50-50-50 क्वेश्चन तीनों में एवरेज जो क्वेश्चन मार्किंग किया गया है बराबर किया गया है, और आपको 3 घंटे का समय दिया गया है तो समय भी आपके पास पर्याप्त है। मतलब अगर ये बोलो कि इस तैयारी के दरमियान मतलब परीक्षा हॉल में समय कम पड़े, तो ऐसा पाठ्यक्रम नहीं है कि समय आपको कम पड़े। फिर भी ये बात हमें समझना चाहिए कि जो पेपर बना रहा है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बना रहा है। अभी रिसेंट के अगर हम कुछ पेपर देखें, चाहे हम समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर देखें या फिर हम UPPCS के लगातार पेपर वगैरह देखते रहे, तो सब में हमें ये समझ में आता है कि लगातार ट्रेंड बदलते चला जा रहा है, और जो एक झुकाव फैक्चुअल से कॉन्सेप्चुअल की तरफ हुआ है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ज्यादा मेहनत करने के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है कि आपको अब उतने ही अंक आने के लिए ज्यादा मेहनत करने पड़ेंगे। हम इस एग्जाम को वर्ष 2013 के APS से बिल्कुल कंपेयर नहीं करेंगे, ना ही पाठ्यक्रम से करेंगे, क्योंकि तब जो कंपटीशन का स्तर था केवल 4000 बच्चे थे 2013 की बात करें, जब शायद इंटरनेट का जमाना भी नहीं था, रिसोर्सेस इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं थे उस समय, यूट्यूब वगैरह इतनी ज्यादा चर्चा में नहीं था, ऑनलाइन एजुकेशन इतना ज्यादा चर्चा में नहीं था, एक ऑफलाइन जो केवल रहता था उसमें जागरूकता इतनी नहीं थी। आप बोल सकते हो कि 176 पद के लिए मात्र 4000 आवेदन आए थे, बट इस बार कॉम्पिटिशन का लेवल आप बोल सकते हो कि 328 पद के लिए अगर ये 1 लाख भी आवेदन पहुंच जाए तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए, जिस प्रकार से रुझान देखा जा रहा है बच्चों का इस वैकेंसी के प्रति। हालांकि एक फैक्टर कि इसमें स्टेनो आना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, और स्टेनो की स्किल जो आपकी 80 की स्पीड है वो इतनी जल्दी आती भी नहीं है, तो जो बच्चे स्टेनो करते हैं सीखते हैं उनको भी इसका उत्तर पता है कि तैयारी करना चाहिए कि नहीं तैयारी करना चाहिए। जिनको स्टेनो नहीं आता है वो भी, उनको भी ये पता होना चाहिए कि भाई इसकी तैयारी में क्या हो सकता है। हालांकि पॉजिटिव एटीट्यूड लेके हम दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे बच्चे जो स्टेनो सीखे हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बाहरी वाले हमारे कंपटीशन बढ़ा देंगे, भाई अगर उन्हें स्टेनो नहीं आएगा तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, वो स्टेनो में बाहर होंगे, पूरी मेरिट जो बनेगी वो आपके ओवरऑल मार्किंग पे बनेगी। तो आपको इस बात के लिए डरना नहीं है, आपके लिए आवेदन चाहे 50,000 हो, आपके लिए आवेदन चाहे 5 लाख हो, आप अगर अपनी जगह पे सही हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे बच्चे जिनको स्टेनो नहीं आती है वो अगर चाह रहे हैं तैयारी करने के लिए, तो ये आप पे डिपेंड, आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है कि जो बच्चे 12-15 महीने में तैयारी करते हैं स्टेनो सीखते हैं, क्या वो स्किल आप आने वाले 6-8 महीने में डेवलप कर सकते हो। बस इतना है कि आपको मिनिमम 6-8 महीना स्टेनो के लिए तो मिलेगा ही, क्योंकि जनवरी दिसंबर 19 दिसंबर एक जो डेट रिजर्व है पुराने कैलेंडर के हिसाब से जो अभी चल रहा है, या फिर कोई नई डेट आएगी तो जनवरी में खिसक सकता है, और उसके 2 महीने बाद कम से कम आपका स्टेनो होगा 3 महीने के बाद। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका टोटल जो समय मिलने वाला है 7-8 महीने मिलने वाला है स्टेनो के लिए। खैर इसकी चर्चा हम यहां पर नहीं करेंगे, मेरा प्रयास है कि आपका सामान्य ज्ञान, अब यहां पे जो 10 पॉइंट है इस 10 पॉइंट में हमें कितना स्कोर करना है और कैसे हमें पढ़ना है। सबसे पहली बात तो जब भी हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो हमारा एक टारगेट होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि आखिर जो हमारा लक्ष्य है वो कितना स्कोर होना चाहिए, जो एक सेफ स्कोर हो सकता है, कहां तक हम जा सकते हैं या कट ऑफ कहां तक जा सकती है। तो एक बात समझना, अगर इसके कट ऑफ को हमें थोड़ा सा आइडिया लेना है तो हम MCQ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा लगभग 150 प्रश्न के जो पेपर कराए जा रहे हैं अभी तक, उनको थोड़ा सा देखेंगे और ये देखेंगे कि उनके कट ऑफ कहाँ तक है। तो 150 क्वेश्चन में अभी तक आपका UPPCS का पेपर बनता आया है, और उसमें क्योंकि ये सामान्य अध्ययन ही विशेषकर उसमें हिंदी नहीं होती, वहीं पर अगर हम किसकी बात करें समीक्षा अधिकारी की, जहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन हिंदी होते हैं
उसके आधार पे देखा जाए तो 200 क्वेश्चन टोटल बनते हैं। यानी आप बोल सकते हो कि 150 से 200 क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस के पेपर को देखा जाए या समीक्षा अधिकारी के पेपर को देखा जाए, दोनों में ही लगभग ऑन एवरेज बोला जाए, अगर हम 4-5 साल के सबके एवरेज को निकालें तो लगभग 90 क्वेश्चन करेक्ट, 90 करेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मतलब निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, इस बात को समझिएगा, 90 करेक्ट क्वेश्चन आपका लगभग कहां पे जाता है, ये आपका यूपी पीसीएस में जाता है। और लगभग 125 के आसपास, 125 से 127, वो जमाना था जब 140 भी जाता था, जब आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, निगेटिव मार्किंग है तो लगभग आपका 125 से 130, बहुत ज्यादा 132, ऐसे आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में भी कट ऑफ आपका जाता है। तो अगर दोनों में देखा जाए तो ये आउट ऑफ लगभग 200 रहता है, ये आउट ऑफ 150 रहता है। ये भी ट्रेंड आपका अगर देखा जाए तो 60% के करीब है, और इसे भी देखा जाए तो 61-62% के करीब आपका ये भी है। मतलब आप बोल सकते हो कि लोक सेवा आयोग में जो परीक्षाएं कराई जा रही है उनमें जो कट ऑफ का ट्रेंड है वो 60-65% के बीच में, और अगर इस परीक्षा की भी बात किया जाए तो इससे ज्यादा जाने के चांसेस बहुत कम है। उसका भी कारण है, वो मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो 50 क्वेश्चन कंप्यूटर का है, और जहां पे कंप्यूटर 5-7 क्वेश्चन होते, 10 क्वेश्चन होते, वहां पे डर की बात नहीं होती, बट अगर कंप्यूटर 50 क्वेश्चन है तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा गंभीर होकर पढ़ाई करना पड़ेगा, आप इसे हल्के में नहीं ले सकते हो, वरना आपका स्कोर खराब हो सकता है। दूसरी बात, हिंदी कहीं ना कहीं ऐसा है जहां पे आपको स्कोर करने में बूस्ट करता है, लेकिन ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम से हैं या फिर हिंदी जिनका कमजोर रहता है उनके लिए अगर बात किया जाए 50 में 40 नंबर लाना या फिर 38 नंबर लाना, 42 नंबर लाना एक चैलेंज सा हो जाता है। 30 नंबर तक तो अगर किसी को बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती नॉर्मली पढ़ के चला जाएगा, 50 में 30 नंबर तो आ जाएगा, लेकिन उस 30 से 45 तक पहुंचने में जो मेहनत करनी पड़ती है वो रातों रात आपको एक नहीं कई सारी किताबों की मेहनत करनी पड़ती है। आप पीएन पांडे भी, आप हरदेव बारी भी, वास्तु नंदन भी, सारी किताबें आप पढ़ डालते हो तब जाके आपका एक एक नंबर का इजाफा होता है, और ये समीक्षा अधिकारी के वाले बच्चों से अच्छा शायद कोई नहीं जानता जो 60 नंबर के लिए इसी पैटर्न पे थोड़ी सी तैयारी करते हैं। रही बात हमारी सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान में 50 क्वेश्चन है। अब ये क्योंकि सामान्य अध्ययन नहीं है, अगर सामान्य अध्ययन होता तो निश्चित रूप से फिर आपका ये 150 क्वेश्चन एक नाइटमेयर से कम ना होता, एक बहुत बुरे सपने से कम ना होता, क्योंकि फिर इसे 150 क्वेश्चन करने में बहुत मुश्किल होता। इन्होंने थोड़ा सा आसान कर दिया है सिलेबस को, और वो आसान इसलिए कर दिए हैं ताकि, क्योंकि कंप्यूटर और हिंदी के महत्व को वो समझ पा रहे हैं, जिसमें से जैसे शब्द संक्षेप हो गया, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक हो गया, जैब से आपका खेल जगत हो गया, महत्वपूर्ण नगर स्मारक एवं इमारतें भारत उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, और उसके बाद फिर आपका करंट मान लो सभी में रहता है, थोड़ा सा इसमें अंकगणित लगा के। तो बेसिकली अगर मैं जनरल नॉलेज की बात करूं तो मैं केवल 4 पॉइंट की बात करूंगा, पॉइंट नंबर 1 और 2 और पॉइंट नंबर 7 और 8। अगर इस पॉइंट को देखो तो ये आपका पारंपरिक जीएस नहीं है, सामान्य अध्ययन नहीं है, ये जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है। अच्छा, जनरल नॉलेज थोड़ा घातक तब साबित हो जाता है जब उसका रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसने अच्छी बात ये कहा है कि जो इसमें पूछेगा भी महत्वपूर्ण नगर स्मारक इमारती वो भारत या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, और आपके जो रहेंगे भी वो इससे संबंधित रहेंगे, तो स्कोप थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसे अगर खेल जगत की बात किया जाए तो खेलों के बारे में, तो खेल तो वैसे भी वैश्विक होता है, वो चाहे आप कभी भी केवल भारत के संदर्भ में केवल खेल नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि खेल जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय वस्तु है, ऐसे बोल सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय एक कार्यक्रम है, तो वो जब कई सारे देश मिलते हैं तभी वो खेल होता है। तो ये खेल आप चाहे भारत की दृष्टि से पढ़ो चाहे अंतर्राष्ट्रीय की दृष्टि से पढ़ो, इसका स्कोप आपका सीमित रहता है। दूसरी बात, आपका प्रसिद्ध पुस्तकें और शब्द संक्षेप। अब शब्द संक्षेप की बात करें तो इसमें आपको 3-4 चीज ध्यान रखना है कि कहां से क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम 2013 का भी पेपर देखें, हालांकि मैं फिर से बोलूंगा 2013 से हम कंपेयर नहीं कर सकते, बस एक आइडिया ले सकते हैं कि आयोग कहां तक सोच रहा है, तो उस हिसाब से जो शब्द संक्षेप, जिसे हम लोग बोल सकते हैं फुल फॉर्म या बोल सकते हैं एब्रीविएशन या फुल फॉर्म बोल सकते हैं, तो जैसे पिछली बार पूछा था सिम का फुल फॉर्म, एटीएम का फुल फॉर्म, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, एम्स का फुल फॉर्म, ऐसे सारे प्रश्न उसने क्या किए थे, रखे थे। अगर देखा जाए, अगर ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो निश्चित रूप से आसान है, लेकिन जब हम शब्द संक्षेप की बात करेंगे, जब शब्द संक्षेप या फिर मैं क्या बोलूं, या फिर मैं एब्रीविएशन की बात करूं, या इन शॉर्ट में किसकी बात करूं, फुल फॉर्म की बात करूं, ठीक है,
फुल फॉर्म की बात करूं तो आपका स्कोप क्या क्या हो सकता है कि कहां कहां से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना। तो एक तो आपका क्या होता है, कंप्यूटर के बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे पिछली बार सिम वगैरह पूछ लिया था, एटीएम वगैरह पूछ लिया था, और भी आपका जैसे HTTP होता है, WWW होता है, ये कई सारे जो होते हैं जो कंप्यूटर के टर्मोलॉजीज होते हैं, तो यहां से आपसे पूछ सकता है। दूसरा होता है गवर्नमेंट, अगर खासकर हम किसकी बात करें, हम इस गवर्नमेंट की बात करें जो करेंट में है, ये जो आप स्कीम देखोगे तो बहुत सारे एब्रीविएशन के यूज पे क्या करते हैं, जैसे पोषण हो गया, जैसे बहुत सारे स्कीम होते हैं जिनके पहले शब्द के एक बड़ा सा सेंटेंस बना रहे होते हैं, तो स्कीम के आपके फुल फॉर्म पूछ सकता है। या फिर आपका कोई ऐसा हो सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ क्षेत्र हो सकता है। तो ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं, ये तीन क्षेत्र हैं, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, कंप्यूटर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर करंट में ऐसा कोई एब्रीविएशन बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा हो, वो चाहे हो सकता है अंग्रेजी का कोई बहुत शब्द हो, या फिर हो सकता है कोई अंतर्राष्ट्रीय किसी खबर की बात हो, वो सारी चीज़ें आपका क्या होगा, करंट अफेयर से संबंधित। तो आपको जो शब्द संक्षेप पढ़ने हैं वो आपको यहाँ से पढ़ने, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे दिमाग में ये कैसे पता होगा कि कितने क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। अभी तक जो आपका पैटर्न था उसमें ये बहुत अच्छी बात थी कि ये बता दिए थे कि 10 क्वेश्चन आपका इससे होगा, 10 क्वेश्चन आपका बुक से होगा, 10 क्वेश्चन इतिहास से होगा, 10 क्वेश्चन विज्ञान होगा, 10-10 करके दिए थे। अब इन्होंने क्या किया है कि वो जो क्वेश्चन का कंपल्सन था वो क्या कर दिए हैं, वो हटा दिए। तो जो क्वेश्चन का कंपल्सन हटा दिए हैं, इससे ये पता चलता है कि आपका क्या है, अब ये कुछ भी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस बात को आप थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा। अब क्योंकि आपके पास 10 टॉपिक हैं और ये 50 क्वेश्चन हैं, तो एक हम औसतन बोल सकते हैं कि एक टॉपिक से लगभग 5 क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। बट क्योंकि उसके सामने लिखा नहीं गया कि 5 ही क्वेश्चन कंपलसरी है, तो हो सकता है किसी पार्ट से 2-3 पूछे, हो सकता है किसी पार्ट से 6-7 भी पूछ ले। अब किस पार्ट से ज़्यादा पूछ सकता है, तो जो ज़्यादा पूछ सकता है वो पार्ट है आपके विज्ञान, इतिहास, भूगोल और भारत का संविधान। ये जो 4 पोर्शन हैं, अगर 5 से ज्यादा एवरेज गया तो इन 4 पोर्शन से पूछेगा, और अगर 5 से कम एवरेज है तो इसका पूछेगा। अंक गणित के बहुत ज्यादा रोल नहीं होंगे, अगर 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेगा तो बहुत बड़ी बात है। बाकी जो आपका करंट अफेयर से सबसे ज्यादा चांस है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाए, 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं जो आपको तैयारी करते हुए चलने। तो अगर हम जीके के पाठ्यक्रम को देखें तो बहुत टफ नहीं है। अभी आपको अंक गणित में ज्यादा नहीं पढ़ना है। अंक गणित में अगर आप केवल मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक, क्योंकि नंबर सिस्टम है नहीं, गणित में अलग होता है, बट 2013 में पूछा था, तो कुछ चीजें हमें जैसे LCM, SCF, डेसिमल और सर्ट्स वगैरह 300 टॉपिक होते हैं, पढ़ना पड़ता है। बाकी आप एक एक चैप्टर जो रेशियो और परसेंटेज केवल 2 चैप्टर पढ़ लोगे तो भी आप इस 3-4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करने में डोबे लोगे, तो मैथ्स में बहुत ज्यादा टाइम नहीं खपाना है। अब बचता है हमारे पास 9 टॉपिक, तो 9 टॉपिक में आपको सबसे पहले जो आपके रणनीति में होना चाहिए कि आपके जो पारंपरिक विषय है जैसे इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था और विज्ञान है, इनको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। इनमें भी जो आपके 3 मेजर हैं, जैसे आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया और भारत का संविधान हो गया। भारत का संविधान अगर बात की जाए, इंडियन पॉलिटिक्स आसान विषय पड़ता है। भूगोल की बात किया जाए, अगर वैश्विक स्तर पर भूगोल पूछता तो कहीं ना कहीं कठिन होता, विश्व का भूगोल पूछता। इसने केवल भारत और उत्तर प्रदेश से अलग से चीजें नहीं पूछेगा, और इसमें भी पहले उत्तर प्रदेश से 6 था और भारत से 4 था। ये अभी भी पॉसिबिलिटी है कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा रहे और भारत से थोड़ा कम रहे, बट फिर भी 5-6 क्वेश्चन। अब आपका जो करंट अफेयर्स के बाद सबसे ज्यादा प्रश्न बन सकता है वो कहां से बन सकता है, भूगोल में, क्योंकि यहां पे उत्तर प्रदेश और भारत का भूगोल दोनों सम्मिलित है। तो 7-8 क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो, 7-8 क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 से 4 क्वेश्चन यहां पे एक्सेप्ट कर सकते हो। मतलब ये 3 पॉइंट मिला के आपके 20 क्वेश्चन बना सकते हो और बाकी पॉइंट मिला के आपके 30 क्वेश्चन बना सकते हो। अब इसमें भी आपको भारत का केवल भूगोल पढ़ना है तो भारत का जो फिजियोलॉजी है, उसके बाद उसके जो खनिज हैं या रिसोर्सेस हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, बस भारत में ही आपको क्या करना है, उससे ही अपना सिलेबस एज पर सिलेबस पढ़िए, बाहर बिल्कुल मत जाइए। और आप उत्तर प्रदेश में भी कला, संस्कृति, इतिहास ये सब नहीं पूछेगा। जो आपसे पूछ रहा है वो क्या पूछेगा, वो केवल और केवल आपसे क्या पूछा जाएगा, वो आपसे उत्तर प्रदेश का भूगोल पूछा जाएगा। बाकी आपके विज्ञान में मैं आपको सजेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा आप बायो या लाइफ साइंस वाला पार्ट पढ़ो, लाइफ साइंस वाला पार्ट आप ज्यादा पढ़ो। हालांकि अगर सिलेक्शन लेना है तो मेरा सुझाव ये रहेगा, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, बट आप में जो पहले पढ़ना है, पहले आप इतिहास, भूगोल, भारत का संविधान कवर करो, उसके बाद आप बायो का लाइफ साइंस कवर करो, उसके बाद आपके जो स्टैटिक वाले पार्ट है उनको आप अच्छे से तैयार करो, ये लास्ट टाइम के लिए रखो। लेकिन धीरे धीरे
क्वेश्चन को क्या करो, एक वार्म अप करते रहो, धीरे धीरे आपकी पढ़ाई होती रहनी चाहिए। दूसरी स्टेज पे आते हैं तो यह है हमारा सामान्य हिंदी। इसमें क्या है, अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश शीर्ष। इसमें पत्र एवं कार्यालय विभिन्न पत्रों का आलेखन, मुहावरे अनेक शब्दों का एक शब्द, वाक्यों का शुद्धिकरण, पर्यायवाची तथा विलोम शब्दों के लिए एक शब्द। अब इसमें मैं बता रहा हूं कुछ टॉपिक आपके स्कोरिंग है। जैसे आप अगर देखो तो मुहावरे हमेशा स्कोरिंग टॉपिक होते हैं, गद्यांश स्कोरिंग टॉपिक है, पत्र लेखन अगर आपको सही समझ हो गई तो पत्र लेखन स्कोरिंग टॉपिक है। ऐसे ही ये जो सातवां पॉइंट इन्होंने इंक्लूड किया है, शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, ये जनरली क्या होंगे, प्रशासनिक शब्दावलियों पे संबंधित होंगे। ये क्योंकि शब्दों का अर्थ पूछा है तो ज्यादा चांस है कि ये प्रशासनिक शब्दावली ही पूछा जाए। तो ये चार पॉइंट आपके स्कोरिंग है, बाकी यहां पे स्कोर बच्चों के गिरते हैं। पर्यायवाची विलोम में बहुत रटना पड़ता है, यहां पर भी स्कोर गिरते हैं, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहां पर भी इसे मॉडरेट लेवल का बोलेंगे कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका स्कोर यहां पे बढ़ जाता है, अन्यथा आपका स्कोर घट जाता है। तो हिंदी में आप ऐसे समझो कि इन चार पोर्शन के बदौलत कम से कम आप 30 प्लस तो आराम से स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 50, है ना, 30 के इसमें 35 से ज्यादा ही स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा। फिर भी जो बाकी 15 क्वेश्चन है वो आपको इन तीन टॉपिक से अच्छे से कवर कर लोगे तो वो हो जाएगा। बट हिंदी में आपका प्रयास होना चाहिए, आप चाहे अंग्रेजी माध्यम के हो, चाहे हिंदी माध्यम के हो, चाहे आपकी हिंदी बहुत अच्छी है या फिर हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, बट क्योंकि ये स्कोरिंग पार्ट है, बच्चे स्कोर करेंगे, जिनकी तैयारी है वो 44-45 नंबर भी लाएंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा 50 में 50 भी हिंदी में लाना जरूरी ही है या फिर आसानी से आ जाता, नहीं, इतना आसानी से भी नहीं आता है, हिंदी को इतना आसान भी मत समझिए। बहुत सारे यहाँ पे जैसे अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और वाक्यों का शुद्धिकरण सबसे ज्यादा परेशान आपको यही टॉपिक करता है, जिसमें बहुत अच्छी स्किल आपको चाहिए, बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए और बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए व्याकरण का। ये वाक्यों का शुद्धिकरण पूरे व्याकरण का निचोड़ होता है, तो एक टॉपिक पढ़ने के लिए आपको पूरा व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा सलाह यह रहेगा कि आप चाहो तो अगर अपनी तैयारी को थोड़ा सा अच्छा बोल सकते हो कि शुरुआत देना चाहते हो तो अभी इस टॉपिक पे रोक दो, आप पहले जो स्कोरिंग पार्ट है आप उनको पढ़ो, बट आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 40 प्लस तो मिनिमम का होना चाहिए, मैक्सिमम आप जितना स्कोर कर सकते हो हिंदी में वो कर लो, बट 40 से नीचे आप कोशिश करो। अगर आप नॉर्मली हिंदी पढ़ोगे तो भी 30 नंबर आ जाएगा, 30 से 40 की मेहनत है, ये स्ट्रेटेजी आपको लेके चलनी है। उसके बाद अगर बात किया जाए कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में मैं इतना बोलूंगा कि एक ऐसा विषय है जहां पे आप जो पढ़ के जाते हो जरूरी नहीं है कि आपका वहीं से सब कुछ कवर हो जाए, तो इसलिए मैं इतना बोलूंगा कि इसके लिए सबसे बेहतर जो है वो आशीष सर की जो क्लास है परीक्षा प्लस ऐप पे, वो इससे बेहतर कुछ नहीं बता सकते हैं, मतलब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता जो वो पढ़ा सकते हैं आपको कंप्यूटर साइंस से एमटेक, और इसमें जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाते हैं, तो आपका यहाँ पे भी जो आपका प्रीलिम्स फेज है और जो आपका मेंस वाला फेज है, दोनों की तैयारी एक साथ इसमें हो सकती है। बाकी इसके लिए कोई ऐसी पर्टिकुलर किताब नहीं होती कि मैं आपको बता दूं कि ये किताब पढ़ लो, कोई पर्टिकुलर इसका स्कोप नहीं होता, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कंप्यूटर पर बैठ के केवल कर लो तो भी आ जाएगा। इसमें आपको कहीं ना कहीं एक नॉलेज भी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। जैसे मैं आपको सीधा बोल दूँ पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे मैं बोल दूँ डाटा अब्स्ट्रक्शन कि किस प्रकार से कार्य करता है, तो उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि प्रिंटर अगर हम लगाते हैं तो किस प्रकार से ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है, किस प्रकार से कंप्यूटर उसे मैसेज देता है, और इसकी बेहतर नॉलेज मेरे ख्याल से आशीष सर से अच्छा कोई नहीं बता सकता है। तो ये आपको कंप्यूटर में अगर इतना कर लो कि कहां से पढ़ना है, आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, अगर आशीष सर का सारा नोट्स और अगर क्लास पढ़ लोगे तो मैं 50 में गारंटीड बता रहा हूं कि 45 से कम एक भी स्कोर नहीं आएगा। बाकी स्वैच्छिक है, आप जहां से अगर आप पहले से तैयारी कर रखे हो तो उसका कोई यह नहीं कि नहीं आशीष सर ही पढ़ाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप खुद के भी बेसिस पे कर सकते हो। मेरा मकसद है आपको एक सही मार्गदर्शन देना, तो वो आप कर सकते हो, उसमें कोई डिपेंडेंट नहीं है कि आप किसी पर डिपेंडेंट ही रहो, आपके पास रिसोर्सेस अच्छे हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच आपका ज्यादा अच्छा होना चाहिए, और कहीं ना कहीं कंप्यूटर के बाहर कंप्यूटर के अंदर दोनों प्रक्रिया क्या हो रही है उसकी समझ एक अच्छी होनी चाहिए, तो आप इस पोर्शन में कर दोगे। हाँ, ये बात है कि क्वेश्चन कहां से ज्यादा ज्यादा बनेगा, तो जब भी कंप्यूटर की बात आती है तो वर्क प्रोफाइल की बात कर लिया जाए या किसी की बात कर लिया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऑफिस से बनेगा, जिसमें आपका वर्ड होता है, आपका पावर पॉइंट होता है और आपका एक्सेल होता है, ठीक है, ये तीन
ये तीन पॉइंट आपके ऑफिस में सबसे ज्यादा स्कोर कवर करेंगे। और आप ये पांचों पॉइंट में देखो तो वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक तो अलग इन्होंने दे ही दिया है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और तीनों को पहले लिखा है, बाकी ईटीसी लिख दिए क्योंकि ये मेन पॉइंट होता ही है। उसके बाद अगर आप किसमें करोगे, अगर आप यहां पे वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, ये भी किसका पार्ट है, ये भी आपका पीपीटी का पार्ट, ऑफिस का ही पार्ट है, तो आपको अलग से नहीं पढ़ना है। ये पांचवा पॉइंट जो है दूसरे पॉइंट में ही आपका कवर हो जाएगा। ऐसे ही वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग, सेंडिंग विद अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग एड्रेस बुक, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं बिना ऑफिस की मदद से आप नहीं कर पाओगे। तो ये वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग, ईमेल तो शब्द हो गया, बाकी सारा काम तो आपको ऑफिस वाला ही करना है। तो चौथा पॉइंट भी आपका इसमें सम्मिलित है, थोड़ा पॉइंट जो बचता है वो इंटरनेट में सम्मिलित है। और इंटरनेट का पॉइंट क्या है, तीन। तो अगर आप पॉइंट दो और तीन अच्छे से पढ़ लेते हो तो पॉइंट चार और पांच आपका वैसे ही तैयार हो जाता है। बाकी आप विंडोज और उसके पेरिफेरल डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी रखते हो तो इसमें स्कोर हो जाएगा। तो अगर आप केवल अपनी ऑफिस और इंटरनेट मतलब कि पॉइंट दो और पॉइंट तीन अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हो तो 50 में आप 25 प्लस स्कोर केवल इस दो पॉइंट से कर सकते हो, यकीन मानो, क्योंकि पांचवा पॉइंट और चौथा पॉइंट इन दोनों पॉइंट से अलग नहीं है, आपका यहीं पे सम्मिलित हो जाएगा। और उसके बाद आप पहला पॉइंट अगर अच्छे से कर लेते हो तो ये स्कोर और भी ज्यादा हो सकता है। कंप्यूटर में मैं फिर भी कम स्कोर रख रहा हूं, बट एक आपका जो गुड स्कोर होना चाहिए वो कम से कम आपका 35 प्लस आपको 50 में स्कोर करना है। मैं इसलिए कंप्यूटर में और हिंदी में क्यों, क्योंकि जो आपका पहला पार्ट है जीके, इसमें आप सेफ स्कोर डिसाइड नहीं कर सकते हो। आप बहुत पढ़ के जाते हो तब भी कई बार क्या होता है, गलतियां हो जाती हैं और हमारा स्कोर 50-60% भी स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी अगर आप अभी से टारगेट लेके चल रहे हो कि आपका 50 में कम से कम 22-23 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करके आ रहे हो तो आपका स्कोर एक अच्छा होगा। आप अगर 22 क्वेश्चन यहां से करते हो, 30-40 क्वेश्चन एक जगह से करते हो और 35 क्वेश्चन एक जगह से करते हो तो 75 और 22 मतलब लगभग आपका 100 क्वेश्चन करके आ रहे हो। और 100 क्वेश्चन हालांकि सही तो बिल्कुल नहीं होंगे, बट मैं तब भी बोल रहा हूँ 100 क्वेश्चन का टारगेट, आप 150 में से 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलोगे, ये करेक्ट क्वेश्चन का टारगेट है, तब जाके आप इस चीज को अचीव कर पाओगे। क्योंकि कितना भी आप मेहनत कर लोगे आपका 100 नहीं सही होगा, जब आप 100 का लक्ष्य रखोगे तो 95-93-94 ही सही होंगे। हालांकि 95-93-94 आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नो डाउट, इतना गारंटीड है, बट ये सब कुछ डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे, किस प्रकार से इसमें कंपटीशन बढ़ता है, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सबसे बड़ी बात है कि हमें इसकी तैयारी करनी कहाँ है और क्या इंपॉर्टेंट किताबें हो सकती हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं सामान्य अध्ययन होता तो मैं आपको बोलता कि जीएस की तमाम किताबें पढ़ो। अब जीएस में आपके जो लोक सेवा आयोग की मैक्सिमम जो किताबें चलती हैं, जो एक पैटर्न चलता है पारंपरिक किताबों का, वो किताबों का पैटर्न हट गया है। मतलब जीएस में अभी किताबों के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले हिंदी की चर्चा कर लेता हूं। हिंदी की आपकी तैयारी करना है तो हिंदी आपको सबसे अच्छा है, जो समीक्षा अधिकारी वाला रिसोर्स चल रहा है उसी पे आप तैयारी करो। कहने का मतलब ये कि आप सबसे ज्यादा पूर्वावलोकन, आपके तैयारी के दरमियान जो किताबें होनी चाहिए वो आप घटना चक्र की पूर्वावलोकन जो होती है, आप उसे जो प्रीवियस ईयर है ना, पूर्वावलोकन बोल दो या प्रीवियस ईयर बोल दो, है ना, घटना चक्र, घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर पूर्वावलोकन होती है आप उसे पढ़ लो, सबसे पहली प्रायोरिटी। और खासकर हिंदी के लिए तो ये मस्ट है, जितने समीक्षा अधिकारी के पेपर हुए या यूपी पीसीएस में भी, मेंस में भी हिंदी पूछा जाता है, इसमें प्रीलिम्स में भी आपका सीसेट में थोड़ी बहुत हिंदी होती है, सारे हिंदी कवर कर लेंगे और अपने एज पर सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप भी यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। दूसरा, अगर आप हिंदी के लिए, यहाँ पे अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो बाकी आप पीएन पांडे या हरदेव वारी में से पहले कोई एक किताब पढ़िए। हालांकि मैं इतना बोलूंगा कि दोनों किताबों में लगभग 80-85% डेटा सेम है, एक बार किताबें पढ़ लो फिर आप जो दूसरी किताब उठाओ उसमें करो। और अगर इसे संक्षिप्त तरीके से पढ़ना चाहते हो तो सबसे जो ज्यादा जरूरी है, एक तो मैं यहां पे पीएन पांडे बोल दे रहा हूं, पीएन पांडे और बारी किताबें, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको जो शॉर्ट में कि आपको यहां से भी पूर्वावलोकन से भी कुछ मिल जाए, यहां से भी सब मिल जाए, तो सबसे अच्छा है परीक्षा प्लस का नोट्स, जो आप इनको, इन दोनों का निचोड़, तमाम किताबों का निचोड़ और पूर्वावलोकन का निचोड़ आपको परीक्षा प्लस के नोट्स में मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर के लिए भाई, क्योंकि
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी कंप्यूटर का कोई इस स्तर का पेपर नहीं करवाया जिसके लिए मैं पूर्वालोकन बोलूं, फिर भी अगर कोई ऐसे एग्जाम है आपको कंप्यूटर का कोई यूपीपीएससी का मिल जाता है तो उसे आप लगा जरूर लो, यूपी ट्रिपल एससी के भी आप लगा सकते हो, वहां पे आपको फायदा मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर तो हमेशा फायदा मिलता ही मिलता है, ये तो मैं बोलूंगा ही। दूसरा, इसके लिए मैं और कोई किताबें सजेस्ट नहीं करूंगा, जो सजेस्ट करूंगा वो है परीक्षा प्लस, क्योंकि मुझे पता है कि इससे बेहतरीन आपको कहीं किताबें मार्केट में इसके रिसोर्स नहीं मिलेंगे। तीसरा पार्ट आता है जो वो है हमारा जीके का, तो जीके में आप इतिहास भूगोल जो भी आप जहां से भी पढ़ रहे हो उसी किताबों से पढ़ो, है ना। आप अगर एक लूसेंट जो पर्टिकुलर लूसेंट आती है उससे भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ो, भूगोल उठाने के लिए आपको माजिद हुसैन या फिर एस बी सिंह साविंदर सिंह को ही पढ़ने की आवश्यकता पड़े, नहीं, आप लूसेंट टाइप की कोई किताब पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। वरना मेरा सजेशन है कि आप इसके लिए केवल और केवल परीक्षा प्लस के नोट्स पे डिपेंडेंट रहो और आप पीवाईक्यू से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो जो घटना चक्र की हैं। अगर इतना कर लेते हो, और वो भी घटना चक्र कहाँ तक मदद कर पाएगी, केवल आपके इतिहास भूगोल विज्ञान और राज्य व्यवस्था, इन चार के अलावा कोई भी किताब आपको घटना चक्र पूर्वलोकन की नहीं पढ़नी है। बाकी स्टैटिक वाला पार्ट हम आपको मतलब का प्रैक्टिस कराएंगे। तो अब सबसे बड़ी बात है कि तैयारी कहाँ से करें, तो मेरा पहला शब्द है कि ये स्वैच्छिक है, आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हो, मेरा कोई आप पे फोर्स नहीं है, ना ही मैं आपसे ये आपको कह रहा हूँ कि नहीं आप यहीं से पढ़ोगे तभी सेलेक्ट होगे। कोई बच्चा कहीं से भी पढ़ के सेलेक्ट हो सकता है अगर उसे सही मार्गदर्शन, सही अगर दिशा निर्देश मिलता है, सही उसे किताबें मिलती हैं, सही रिसोर्सेज मिलते हैं, सही कंटेंट मिलता है, तो सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई एक संस्था नहीं हो सकती। फिर भी आपके काम को आसान करने के लिए, आपकी तैयारी को बहुत बेहतरीन करने के लिए टीम परीक्षा प्लस दिन रात प्रतिबद्ध रहती है और बहुत बेहतरीन बैच, इससे पहले भी हमने यूपी पीसीएस 1.0 निकाला था, 500 से ज्यादा एडमिशन उसमें थे, मैं बहुत ओपनली बोलता हूं, कोई इस चीज को बताता नहीं है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, 20 एडमिशन होंगे तो भी बताता हूं, 5000 एडमिशन होते हैं तो भी बताता हूं, 500 होंगे तो भी बताऊंगा कि आपसे कुछ छुपा नहीं होता। और इसमें लगातार एडमिशन हो रहे हैं क्योंकि आपका एक ट्रस्ट है और उसके लिए मैं हमेशा आभार प्रकट करता हूं। एक जो क्वालिटी मेंटेन करती है परीक्षा प्लस, एक जो मेहनत करती है वो कहीं ना कहीं आपके सफलता के इशारे पे करती है। तो एपीएस 2.0 बैच इसमें लॉन्च कर दिया गया है, अभी तक हम लोग प्रैक्टिस भी करा रहे थे क्योंकि पारंपरिक था, अब उस चीज को हमने बंद कर दिया है क्योंकि अब यहां पे रिटर्न आपका होगा नहीं, अब आपका केवल एमसीक्यू होगा, तो उसके आधार पे एक नया बैच जिसमें लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, डाउट सेशन, वैल्टी सारी चीजें मिलेंगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई कंप्यूटर का ही केवल लेना चाहे जिसका जीओ सर हिंदी तैयार है तो वो केवल कंप्यूटर का ही बैच ले सकता है। इसके बारे में जो डिटेल है, हालांकि बैच तो आप लोग कभी भी परीक्षा प्लस ऐप का ऐप पे जाके देख सकते हो, मेरा जो मेन उद्देश्य है वो आपको ये दिखाना कि हम किताबें आपको सारे इसमें जो भी आपको किताबें मिल रही है वो किताबें आपका कुछ इस रूप में, चाहे शब्द संक्षेप हो, सामान्य ज्ञान का जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है वो अलग कर दिया गया है, हिंदी जो आपका अलग कोर हिंदी है वो पार्ट अलग हो गया है, पत्र का पार्ट हमने अलग कर दिया है, भूगोल ये भारत का अलग और उत्तर प्रदेश का हमने भूगोल अलग कर दिया है, इतिहास का अलग, राज्य व्यवस्था का अलग, कंप्यूटर का अलग, अंकगणित का अलग, ऐसे कम से कम आपको 10 किताबें आपको मिलेंगी। किताब का यहाँ पे उत्तर प्रदेश वाला नहीं है, मिनिमम 10 किताबें मिलेंगी, बाकी क्लास नोट्स तो आपको मिलेंगे। एक बार आप ये देखना चाहोगे कि भाई इसका वो भी दिखा दिया जाए, आपको डेमो दिखा दिया जाए कि किस प्रकार के आपके नोट्स हैं, तो ये आप देख सकते हो, ये कंप्यूटर के बिल्कुल जैसे आपके होने चाहिए, एक इमेज के फॉर्म में, इतना बेहतरीन प्रिंटेबल फॉर्म में ये आप देख सकते हो। ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल इसमें लैंग्वेज में रहेगा, उस पर मत जाइएगा। और ये देखा जाए तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सब कुछ बहुत बेहतरीन हिसाब से एक एक चीज़ें बताया गया है, और शायद इससे बेहतर किताब भी आपको मार्केट में कंप्यूटर की मिलना, क्योंकि कंप्यूटर की बात आती है तो मैं शायद किसी को आशीष सर के अलावा कोई सजेशन नहीं देता हूँ, वो फिर आप चाहे जहाँ पढ़ो कंप्यूटर, आपको अगर वहाँ से नहीं पढ़ते आशीष सर से तो थोड़ा सा आपका अधूरा रह जाता है, ऐसा मुझे फील होता है, इतना बेहतरीन तरीके से वो पढ़ाते हैं। अगर मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ तो मेरी प्रथम प्रायोरिटी शायद वही रहे, इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखते हैं कि पत्र लेखन का अगर देखोगे तो पत्र लेखन में पूरा एकदम शायद ही कोई ऐसी किताब मिले आपको, पीएन पांडे हरदेव बहारी में भी इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा कि पत्र लेखन किस प्रकार से है, पत्र लेखन की विधि क्या होती है, क्या उसकी बारीकियां होती हैं, पत्रों के प्रकार कैसे हैं, एकदम टेबल बना के, चार्ट बना के, ठीक है, पत्र के प्रकार, उसके बाद फिर कैसे लिखे जाते हैं, प्रारूप से जुड़ी मुख्य बातें क्या होती हैं, उसके बाद उनके जो नमूने होते हैं किस प्रकार लिखे जाते हैं, और इन सब पे एक बहुत बेहतरीन क्लास भी आपको मिलती है। अगर मुहावरे भी देखोगे तो मुहावरे को भी बहुत अच्छी पृष्ठभूमि से उठा के और बहुत बेहतरीन कंटेंट जो भी आपके पीवाईक्यूज हैं या बेहतर किताबें हैं उनसे निकाल के आपके ये मुहावरे एक कलेक्शन दिया गया है, अगर आप इसे पढ़ते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता
सफलता मिलती है। तो ई के किताबों का डेमो है, आप चाहे जीएस के भी किताबों का देखोगे तो पूरा मैपिंग के माध्यम से पूरा प्रिंटेबल नोट्स ये आपको मिल जाएंगे। हर एक का एक मैप के माध्यम से, टेबल के माध्यम से समझाने का आपको प्रयास किया गया है कि अगर आप क्लास ले लेते हो, अगर आप नोट्स पढ़ लेते हो और अगर आप हमारे क्विजेज और टेस्ट ले लेते हो तो इससे ज़्यादा आपको अतिरिक्त पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका हमेशा रहता है, वो ये कि क्या सर आपके नोट्स केवल पढ़ लें, आपकी क्लासेस कर लें तो सिलेक्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर मेरा हमेशा उत्तर ये रहता है कि भाई देखो, अगर आप सारी क्लासेस अटेंड कर लेते हो, सारे नोट्स अच्छे से पढ़ लेते हो और सारे टेस्ट दे लेते हो तो आपकी सफलता 100% गारंटीड है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितनी गंभीरता से उसे पढ़े हो। एक होता है पढ़ना और एक होता है उसे कंप्रेहेंड करना। अगर आप सीरियस हो लिटरली सिलेक्शन के लिए और विधिवत तरीके से आप पढ़ते हो, उससे आप ज्ञान अर्जित करते हो, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता मिलेगी। आप केवल कोरम पूरा करते हो तो कोरम पूरा करने के लिए फिर ये किताबें नहीं है, फिर वो कोई भी नहीं करा सकता। तो मेरा एक कैंडिडेट सा उत्तर आप लोगों के लिए होता है। बट इतना मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन होगा वो आपके इस नोट्स, हमारी क्लासेस और हमारे क्विजेज और क्वेश्चन से बाहर नहीं होंगे। इस बात का आश्वासन दिलाता हूं, अगर आप उतना कर लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे। अब आप उस क्वेश्चन को करके सिलेक्शन लेते हो या नहीं लेते हो ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, क्योंकि 10 साल बाद अपर निजी सचिव आया है तो क्योंकि बहुत ज्यादा भटकाव होता है कौन सा रिसोर्स अच्छा है, कौन सी कोचिंग अच्छी है, तो एक बात समझना, ये मैं फिर से ओपनली बोलता हूं कि एक मार्केट है। अभी कुछ नहीं पता था, 2 महीने से पता चल रहा है कि एपीएस आ रहा है तो सारे पब्लिकेशन एपीएस का, नोट्स एपीएस का, हर चीज निकालने को शुरुआत कर दिए। भाई केवल कवर चेंज कर देने से एपीएस की किताब एपीएस की किताब नहीं बन जाती है। केवल आप ये बोल दो कि हमने किताब लॉन्च कर दिया है, आप उसको नहीं पकड़ पाते हो। आपको उसमें सालों की, महीनों की मेहनत चाहिए होती है, उस पर दिन रात की मेहनत चाहिए होती है, जो टीम डेडिकेटेडली उसके लिए काम करती है, जो हम पिछले 3-4 महीने से लगातार करते आ रहे हैं। बाकी आप दूध पीते बच्चे नहीं हो, आप में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इससे पहले कहीं अधीनस्थ में या कहीं पे भी कार्यरत हैं, स्टेनो के पद पे ही। बहुत सारे जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इमेच्योर नहीं है, बहुत ही मेच्योरिटी, 18 साल से कम नहीं हो, 21 साल से ऊपर वाले इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो पर्याप्त तो दूध पीते बच्चे नहीं हो, आपको ये बताना मेरा काम नहीं है कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या आपके लिए बुरा है। हाँ, बट सही मार्गदर्शन करना, सही गाइडेंस देना, जो मेरा उत्तरदायित्व तो है वो मैं आपको कर रहा हूँ, जो मेरा कर्तव्य है वो मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप अगर कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहाँ से मिल जाएगा। या जो बच्चे केवल वेबसाइट से चलाना चाहते हैं, ऐप से नहीं, तो live.parikshaplus.org वेबसाइट पर जाके हमारे कोर्स से एक्सेस कर सकते हैं। ऐप से कर सकते हो तो वहाँ पर डाउनलोड करने का भी फीचर आता है। इसमें आपको मैं कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, 2 बैच अलग अलग चल रहे हैं, एक आपका APS 2.0 बैच, एक आपका APS कंप्यूटर स्पेशल बैच। दोनों ही बैचेस में जो कंप्यूटर यहां पे पढ़ाया जाएगा सिमिलरली वही कंप्यूटर यहां भी पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि दोनों कंप्यूटर अलग अलग हैं, नहीं, दोनों सेम हैं। सारी क्लासेस, सारे नोट्स, सारे डिस्कशन, वो सब कुछ इसमें भी आएगा। ये कंप्लीट है, बस इसमें हिंदी और जीके अलग से है। इसमें आपके टेस्ट सीरीज नहीं है, बट आपके जो टॉपिक टेस्ट हैं, जो क्विजेज हैं, वो आपको दिए जाएंगे। जो क्लासेस सर पढ़ाते हैं उनकी जो क्लास की पीपीटी होती है वो आपको मिल जाएगी। साथ में ही जो नोट्स मैंने दिया प्रिंटेबल की, आप इसे प्रिंट करा के, स्पाइरल करा के, एक किताब के फॉर्म में रख के और इसे अच्छे से तैयारी कर सकते हो, वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। बाकी हमारा गाइडेंस, हमारा जो मार्गदर्शन है आपके लिए, हमारी जो मेहनत है आपके लिए, वो दिन रात आपकी सफलता के लिए हम प्रतिबद्ध रहते हैं। इससे अतिरिक्त तो कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे नंबर चल रहे हैं, इन पे कॉल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड अवश्य करें, वहां पे कुछ डेमो पड़े भी हैं, कुछ डेमो यूट्यूब पे भी लगे हुए हैं। आप पहले क्लास को अच्छे से देख लो तभी आप कोर्स से जुड़ो। मैं कोई इस जल्दबाजी में नहीं ना रहता हूं और ना आपको बोलता हूं कि जल्दबाजी में कोई काम लो। जब आप इत्मीनान से आपको 4-5 जगह आप देख लो जहां पे लोग 5-5, 7-7 हज़ार का कोर्स चला रहे हैं और इसका 10% भी क्वालिटी नहीं दे पा रहे, वहां पे परीक्षा प्लस आपके न्यूनतम फीस में जो सर्वाधिक गुणवत्ता प्रोवाइड करने की बात करती है। मैं लास्ट में जाते जाते ये जरूर बोलूंगा कि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो बच्चों को केवल भटकाव में ये कहती हैं कि आरओ यारओ वाला ही तो है, वही बैच ज्वाइन कर लो वही आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं है, 50 क्वेश्चन आरओ यारओ में नहीं आता है, आपका मुहावरे और ये सब आरओ यारओ के प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, आपका प्रशासनिक शब्दावलियां ये आरओ यारओ में नहीं आता है, आपका जीके आरओ यारओ में नहीं आता है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती है ऐसे लोगों से जो बच्चों को भटकाओ मत करें, भाई आरओ यारओ अलग चीज है और ये अलग चीज है। पहले अगर होता तो बात मैं बोल सकता था कि आरओ मेंस की तरह हो सकता था, बट अभी तो आरओ का इसका दूर दूर तक कोई कंपेरिजन नहीं है। बाकी जो लोग आप तैयारी कर लो, मन लगा के तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, टीम परीक्षा प्लस आपके साथ है। फिर मिलेंगे आपके कोर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।